वैसा गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है और एक प्रैक्टिकल बात बोली गई है, हारे हुए इंसान की सलाह और जीते हुए इंसान का अनुभव आदमी को कभी हारने नहीं देता है। यानी कि अगर कोई इंसान ऐसा है आप लोगों की जिंदगी में जो कि एक तरीके से उसने अपनी जिंदगी गोल अचीव नहीं किए, तो आप लोग उस इंसान से बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। और इसी के साथ में जो इंसान जीत के कहीं पर पहुंच गया है तो वो भी आप लोगों को बहुत सारी चीज सिखा सकता है। तो ये कभी नहीं देखना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे, कोई अगर ये बोलने लगे कि यहाँ पर नीरज कुमार, जो अभी नीरज चोपड़ा है, जो उनके द्वारा अभी भाला फेंक में गोल्ड जीता गया है, कि उनके कोच ने तो गोल्ड ही नहीं जीता है, वो उनको गोल्ड कैसे जीता पाएंगे, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो उनका जो अनुभव रहा वो कहीं ना कहीं एक इंसान को जो काम आता है तो वो आराम से किसी भी इंसान को कहीं भी पहुंचा सकता है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक पोस्ट पर नहीं पहुंच पाया तो उसकी सलाह जो है वो आप लोगों को हेल्प नहीं करेंगी पहुंचने में। हो सकता है उस इंसान की लाइफ में जिंदगी में क्या चीजें होंगी, तो इसलिए कभी भी उस तरीके से चीजों को नहीं देखना चाहिए। कुछ भी अगर वो सिखाए तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, सर झुकाकर हमेशा ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अगर आप लोग रियलिटी में ये आदत एक बार बना लेंगे तो एक छोटे से बच्चे से भी आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। हर एक मूवमेंट आप लोग कोई ना कोई नई नॉलेज देता हुआ नजर आएगा, हर एक मोमेंट आप लोगों को कुछ नई चीज सिखाता हुआ नजर आएगा। और जिंदगी में हमेशा जो पुरानी चीजें होती हैं, जो भी आप लोग लाइफ आगे जीकर आते हैं, अपनी गलतियों से सीखो, अपनी जो अच्छे काम है उससे सीखो, किस तरीके चीजों को इंप्रूव कर सकते हो उससे सीखो, खुद से भी जो इंसान है वो बहुत सारी चीजें सीख सकता है। और फिर चाणक्य साहब की वो मैं वही बात बोलूंगा कि एक तरीके से गलती अगर इंसान करे तो एक बार करे समझ में आता है, बार बार करे तो इतनी छोटी जिंदगी है कि उसको इंप्रूव करने में ही चला जाएगा। तो दूसरों की गलतियों से सीख के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए अगर रियलिटी में हम लोग अपनी लाइफ में अपने गोल अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना फोकस जो है अर्जुन की तरह बिल्कुल आंख पर रखो, चिड़िया की आंख पर निशाना होना चाहिए, तो फिर जिंदगी में सारे गोल जो है वो आप लोग के कदमों में आप लोगों को नजर आएंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस डिस्कशन में। इसके अलावा अगर किसी भी लेक्चर की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ जो कंप्लीट अगस्त मंथ की करंट अफेयर है। मेरा खून पी रखा था यहाँ पर मैसेज भेज भेज कर, मतलब मेल भेज भेज कर हर वीडियो के नीचे कमेंट, सर अगस्त की करंट अफेयर पढ़ा दो। इतनी तो वीडियो नहीं देखी है लोगों ने जितने मेल आ गए मेरे पास में पीडीएफ के लिए। क्या पीडीएफ से काम चल जाता है क्या, वीडियो बनानी छोड़ दो? अगर पीडीएफ से काम चल जा रहा है तो पीडीएफ से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर महीने की पीडीएफ बना बना के दे दिया करूंगा, बताओ अगर इस तरीके सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे मेल आ चुके, मैं बोला मैंने वीडियो तो इतनों ने देखी नहीं है, मेल कैसे आ रहे इतने सारे, मैंने कहा ये देखो पता नहीं क्या चल रहा है। चलिए जो भी है, बाकी यहां पर ये एफसीआरए वाला जरूर आप लोग देखिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और सारी पीडीएफ आप लोग यहां पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने यहां पर एंटी सैटेलाइट, जो बेसिकली पर्टिकुलर जो यहां पर टेस्ट फेरिस के बारे में एक शॉर्ट वीडियो है, ये लगभग आप लोगों को लगभग कितनी है, लगभग मुझे लग रहा है शायद 52 सेकंड की वीडियो है, पर लेकिन 52 सेकंड में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। इसको देखिएगा और बताइएगा, एक एक्सपेरिमेंट किया है, टाइम तो लग गया खैर थोड़ा, पर लेकिन हाँ आप लोग देखिए इसको, बताइए कैसा लगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था, एक ट्राई करके देखा है, अगर आगे फ्यूचर में लगेगा तो कुछ ऐसे टॉपिक जो है उन पर बनाकर वीडियो डाली जा सकती है जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, तो एक जस्ट एक्सपेरिमेंट था, बाकी आप लोग राय देना कैसा लगा है, फिर उसी हिसाब से आगे देख लेंगे। ओके, आइए अब आगे बढ़ेंगे, टकटकी लगाकर लेक्चर देखना है, काफी कुछ शानदार डिस्कस करूंगा। वो नहीं कहते कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल, मतलब मस्त वाला डिस्कशन होने वाला है, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आइए एक एक चीज देख लेते हैं पहले क्या क्या बातें की जा रही है। पहले आप लोगों के सामने एक ओवरव्यू है यहाँ पर, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो के एंड तक जाना है देखकर, क्योंकि वीडियो के एंड में जो क्विज होता है ना उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो एक रिवीजन होता है और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में अगर आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ से चीजों को लेकर चल रहे हैं तो। ठीक है, तो उसको ढंग से देखिएगा। ऑल इंडिया डेट जो इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट जो सर्वे है, इसका अगर पूछेगी किसके द्वारा कंडक्ट किया गया ऑल इंडिया डेट और इन्वेस्टमेंट सर्वे, तो आप लोग यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसके द्वारा रिसेंटली अभी इसको रिलीज किया गया है। अगर बात करूं मैं आप लोगों से NSSO और इसी के साथ में इसको मर्ज किया गया CSO के साथ में, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को मर्ज किया गया सेंट्रल स्टेटिकल जो स्टेटिक्स ऑफिस है, स्टेटिकल नहीं स्टेटिक ऑफिस है, इसको मर्ज कर अब यहां पर ये नाम नहीं है, एक नया नाम निकल कर आया मार्केट में, तो ये शक्तिमान कौन है नया नाम, ये आप लोग को बताना है। बाकी यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज लगी मुझे अगर पर्टिकुलरली बात करें, नॉर्मली जो दवाई हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग कोई भी दवाई आजकल में यूज करें, COVID-19 की वैक्सीन के बारे में बात कर लीजिए, उसको लेने के लिए एक जगह रखने के लिए उसको काफी ठंडा उसके अंदर माहौल रखना पड़ता है जहां पर उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। तो सोचो कि अगर कुछ ऐसी दवाई अगर हम लोग मतलब खाने के अंदर सब्जियों के अंदर अगर उतार सके तो कैसा रहेगा, तो उसी के पैटर्न पर काम करने की बात की जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा। यहां पर बेसिकली जो इडेबल प्लांट होता है जैसे कि लेटिस, यानी कि एक तरह सलाद वगैरह जो होगी, ठीक है, फूल गोभी वगैरह होगी, उसका जो mRNA है, mRNA मतलब मैसेंजर, तो m का मतलब है मैसेंजर, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसके लिए वैक्सीन यहां पर बनाई जा रही है, तो इसके प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, तो यहां पर $5 लाख देने की बात की गई इनके द्वारा।
ठीक है। तो इसके तरीके से आप लोग देखते हैं काफी ह्यूज पैसे यहां पर दिया गया है। अगर देखे तो 70 रुपए का जैसे डॉलर माने अगर आप लोग, ठीक है, तो 7×5=35 लगभग 3.5 करोड़ के करीब रुपए हैं यहां पर जो इनके द्वारा दिए गए। तो आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा यहां पर ये पैसा दिया गया है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, अगर ये दवाई बना पाते हैं तो जो भी यहां पर उसको रखने के लिए जो आज के टाइम ना वो बिल्कुल रेफ्रिजरेटर साथ में लेकर चलना पड़ता है वो सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। तो काफी अच्छा एक इंसिडेंट बोल सकते, काफी अच्छा एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि खासकर अफ्रीका वाले रीजन में जब आते हैं दवाई पिलाने के बाद, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोग देखिए काफी सारी ऐसी कंट्री है जहां पर काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, तो वहां पर और ज्यादा दिक्कत आती है, फिर सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी अगर आप लोग मिलिट्री डिफेंस किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, मतलब डिफेंस से रिलेटेड, तो यहां पर ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये कमेटी है जिसने अभी यहां पर इनहेंसमेंट करने की बात की थी कैपेबिलिटी में जो डिफेंस की, इस कमेटी के बारे में बेसिक चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर डिफेंस के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो कौन थे हेड कमेटी के ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर बेसिकली बात की जा रही है रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये टाइटल की यहां पर अभी एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है, ये आप लोगों को बताना है किसके द्वारा यहां पर ये लॉन्च की गई है, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो पूछ ले अगर डायरेक्ट आप लोगों से रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, तो इसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे पीएफसी ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए आप लोग। बाकी बात की जा रही है फर्स्ट एवर यूरो बॉन्ड, यूरो ग्रीन बॉन्ड यहां पर इशू किया गया इंडिया में, तो इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी कौन से राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा अभी प्राइवेट कंपनी का एक प्रोजेक्ट था उसको यहां पर अभी फिलहाल जो है बंद कर दिया है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि ये जो रिवर है यहां पर जिसका नाम है यहां पर उनमगोट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है यहां पर, ये बेसिकली कहां पर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये आप लोगों को बताना है कहां पर ये लोकेट, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, एक रिवर है जो कि डिवाइड करती है यहां पर जैंतिया और खासी को, तो आप लोगों को बताना है ये क्या है इस रिवर का नाम, और जाकर फाइनली ये बांग्लादेश में गिर जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में बताइए। बाकी तो लेक्चर में आप लोगों को सारी चीज जानने को मिलेगी, तो लेक्चर की तरफ को बढ़ते हैं, अच्छे से एक एक चीज को पॉइंट वाइज देखिएगा, जहां पर भी डाउट हुआ करे उसको पूछ लिया करो, ठीक है। यानी कि ये तो आप लोग क्या करो, जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको देखो, समझने की कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसको लिखो, तो जब भी आगे वो टॉपिक आएगा तो उसको फिर मैं उसको कवर कर लूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, बोलता नहीं हूं मैं अलग से कि हाँ ये डाउट पूछा गया था ये होता, पर लेकिन मैं उसको आगे के जो भी टॉपिक आता है उसमें कवर कर लेता हूं, जहां पर भी मुझे लगता है उसको कवर करने लायक डाउट है, तो ठीक है। तो इसलिए आराम से पूछिए उसको, जब भी आगे टॉपिक आएगा उसमें तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में, शॉर्ट न्यूज है यहाँ पर, इसके बारे में एक एक कर यहाँ पर न डालते हैं, शॉर्ट न्यूज है पर लेकिन डिटेल में मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि सारी डायमेंशन आप लोगों को पता चल सके। एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट न्यूज नाम क्यों रख रखा है, लोंगी हो जाती है यार, नॉलेज के ऊपर फोकस किया करो, ये सब चीजें नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जितनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन क्या पता कहां से बन जाए, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन, कुछ भी यहां पर कंडीशन बनती है ताकि आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सको। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, डेट क्या होता है उधारी, और इन्वेस्टमेंट आप लोग जानते हैं कि पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, तो इसका सर्वे कंडक्ट कराया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जिसको आप लोग NSA बोलते हैं, तो इसके द्वारा कंडक्ट कराया गया। तो इसने कई सारी बातें यहां पर बताई, अब ये बातें क्या क्या बता रहा है वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में जानिए, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये है क्या समझ लेते हैं एक बार। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को आप लोग राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के नाम से भी आप लोग जानते हैं। बेसिकली है क्या, सबसे पहले अगर बात करें स्टार्टिंग में आप लोग देखेगा तो द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जिसको CSI बोलते थे, पर लेकिन ये जो नाम है ये ज्यादा लंबे समय तक टिका नहीं, आगे चलकर यहां पर इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो 1951 में इसको बनाया गया था, आगे चलकर यहां पर नाम कर दिया यहां पर CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1954 में किया गया, पर लेकिन यहां पर ये भी इनको पसंद नहीं आया, फिर तीसरी बार नाम चेंज किया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तो यहां पर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया, सेंटर का सेंटर छोड़ दिया, और एक्रोनिम CSO का CSO ही रहा, ठीक है। नाम चेंज किया गया पर CSO के अंदर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, तो CSO का CSO ही रहेगा। अब आगे चलकर फिर लगा कि ये भी चीजें अलग अलग चल रही हैं, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एक ऑफिस हुआ करता था, और इसी के साथ में सेंट्रल स्टैटिक जो ऑफिस था जो भी मैंने आप लोगों को बताया, दोनों को मिलाकर एक नया ऑफिस सामने आ गया, इसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये रिसेंटली अभी फिलहाल ये वाला ऑफिस आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें होगी जो मैंने आप लोगों को बताई। अभी मिनिस्ट्री किसके अंडर में आता है यहां पर, ये सारा कार्यक्रम जो मैंने समझा आप लोगों को, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है, यानी कि सांख्यिकीय और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन जो मंत्रालय है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कब क्रिएट किया गया था, ये 1999 में क्रिएट किया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को मर्ज कर यहां पर एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी। तो यहां पर पूरी राम कहानी इसकी मैंने सुना दी आप लोगों को, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बात यह की जा रही है कि अभी रिसेंटली अगर बात करें जो हाउस होल्ड का डेट है, यानी कि जो उधारी है,
वो रिसेंटली अभी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि एक तरीके से उधारी लोगों की बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या, कमाने का तो कोई साधन नहीं है तो इधर उधर से उधार मांगते हैं। तो यहां पर बोला गया कि 35% के करीब रूरल इंडिया में और 31% के करीब प्रीवियस सर्वे में था, 35 हो गया लोगों की उधारी, ठीक है। अर्बन में जो है यहां पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि स्टेटिक है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली देखा जाए गांव में आप लोग जाओगे तो कोई ना कोई उधार दे देगा, शहरों में आप लोगों को बहुत कम लोग उधार देते हुए मिलेंगे, शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं, वैसे भी उनकी भी रोजी रोटी जैसे तैसे चल रही होती है, तो दूसरों को कौन कौन क्या उधार दे, सबके अपने होने के दे, सबको अपने घर चलाना है और अपना ही घर चल जाए वो बहुत बड़ी बात है ऐसी COVID-19 की कंडीशन में। तो इसलिए यहां पर तो ज्यादा उधारी बढ़ी नहीं, पर लेकिन गांव में उधारी बढ़ गई है, ये यहां पर बताया गया किसके द्वारा, ये ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे के द्वारा, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन याद रखेगा, आंसर राइटिंग में भी आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ COVID-19 ने ये भी एक इंपैक्ट डाला अभी रिसेंटली यहां पर, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर, इसी के साथ में बोला गया कि जो इनडेप्ट है यहाँ पर हाउस होल्ड वे भी यहाँ पर बढ़े हैं, खासकर रूरल इंडिया के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर 84% बिटवीन 2012 से लेके 18 तक का, एंड COVID-19 ने इसको फर्दर डबल कर दिया है, जो बोरोइंग अभी लोगों की देखने को मिल रही है। आप लोगों को बताया अभी लोगों की जॉब जा चुकी है, बेचारे क्या करेंगे, तो उधारी की जिंदगी जीकर लोग काम चला रहे हैं। गांव वाले एरिया में अगर देखेगा यहाँ पर 32,000 के करीब यहाँ पर 2012 में था, अभी यहां पर जो डेट हो चुका है ये लगभग 59,000 यानी कि 59,748 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा 2018 में, और ये एवरेज जो डेप्ट है यहां पर 42% सेम पीरियड में देखने को मिलेगा, मोर देन 1.2 लाख, ठीक है। यानी एक तरीके से अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो आगे जल्दी ही ये वाला आंकड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरीके की बातें बोली जा रही है, यानी कि लोग जो हैं जैसे तैसे कर उधारी की जिंदगी जी रहे हैं बड़ी ही बुरी कंडीशन में, ये बातें बोलेगी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसके द्वारा ये सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है, और यहां पर ये पूरा ऑफिस क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी, अब माइंड में क्लैरिटी होनी है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है बेसिकली दवाई के बारे में। मैंने अभी बोला ना आप लोगों को mRNA, ठीक है, mRNA यहां पर क्या है, RNA इसको बोलते हैं, M को बोलते हैं मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो M जो RNA है यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। ये अभी इसके रिलेटेड जो दवाई है ये बताई जा रही है कि अगर सेम प्रॉपर्टी हम लोग जैसे लेटिस, ठीक है, तो जो कि जिसे आप लोग सलाद बोल सकते हैं नॉर्मली, या फिर गोभी वगैरह कुछ ऐसी चीजें, तो उसके अंदर अगर ये वैक्सीन यहां पर हम लोग डाल पाए तो इडेबल प्लांट के अंदर आ जाए, तो इंसान क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी मान लीजिए दवाई में जा रही है और नॉर्मली खाने के अंदर ही वो प्रॉपर्टी डाल दी, ठीक है। जैसे नहीं आप लोग नॉर्मल चले, आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल आप लोग मान लीजिए आलू टमाटर खा लिए, ठीक है, पर लेकिन अगर आप लोगों ने आलू टमाटर की जगह और आप लोगों ने मान लीजिए राजमा खा लिया, ठीक है, आप लोगों ने उसकी जगह छोले खा लिए, ठीक है, तो ये आप लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे एज कंपेयर टू अगर आलू टमाटर खा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर मान लीजिए छोले खाए, छोले में आप लोगों ने थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया, उससे क्या होगा, प्रोटीन की क्वांटिटी आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो अलग से प्रोटीन खाने के कंपेयर में अगर हम लोग इसी को यहां पर इसके अंदर चीजें इंक्लूड करते चले जाएं, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा दिखेगा आप लोगों को कि एक तरीके से आप लोगों का खाना ही आप लोगों के लिए एक तरीके से बैलेंस डाइट और दवाई बन जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि खाने को बैलेंस लेने रहो तो कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आगे चलते हैं यहां पर, सक्सेसफुल जो प्लांट्स बेस्ड जो mRNA है अगर उसके बारे में बात करें वैक्सीन के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, एक तरीके से ये एबिलिटी हो पाएगी कि उसको रूम टेम्परेचर भी हम लोग स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि सब्जियां तो रूम टेम्परेचर भी रखी रहती है, नॉर्मली फ्रिज में भी रखते हैं पर रूम टेम्परेचर भी आप लोग सब्जियों को रख लेते हैं, पर लेकिन ये वाली दवाई आप लोग रूम टेम्परेचर पर नहीं रख पाते हैं, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यही बात यहां पर बोली गई, अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं कि हम लोग सब्जियों के अंदर ही ऐसी कुछ चीजें हम लोग डेवलप कर पाते हैं तो बहुत फायदा होगा, इसीलिए यूएसए जो है वो यहां पर लगा हुआ है जी जान मेहनत लगा के कि ऐसी कोई दवाई जरूर बनाई जाए, ताकि यहां पर दवाई का काम जो है वो सब्जियां करने लगे तो कैसा रहेगा। तो ये ऐसा यहां पर इनके द्वारा एक अंदाजा लगा के चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर ये बोला गया कि अगर आप लोग बात करें तो यहां पर इस तरीके से किसी के भी अंदर अगर हम लोग इस तरीके से कर पाते हैं, जो भी पिक्चर आप लोगों के सामने ये सारे जैसे गोभी का पैटर्न है, तो गोभी का ही आप लोगों को अलग अलग आकृति आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए $5,00,000 यहां पर अभी ग्रांट किया है, यानी कि 3.5 करोड़ रुपए के करीब देखने को मिलेगा यूएसए के नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा ये काम किया गया है। गोल यहां पर 3 इनके द्वारा, एक तो बोला गया यहां पर जो डीएनए है वो कंटेन करता है mRNA वैक्सीन, ठीक है, तो सक्सेसफुली अगर डिलीवर कर जाता है पार्ट ऑफ द प्लांट सेल के अंदर में तो रेप्लिकेट आप लोगों को कर पाएगा अपने आप, तो बहुत सारे डोजेस तैयार किए जा सकते हैं आसानी से बिना किसी टेंशन के। तो ये अच्छी बात है, आप लोग कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप को अपने आप रेप्लिकेट करता रहेगा, जैसे वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करके वायरस के नए नए बच्चे पैदा होते चले जाते हैं ना, उसी तरीके से जो नेचर चेंज करते रहता है। तो यहां पर कई सारे और कॉपी आप लोगों को देखने को मिलेगी, रेप्लिका मतलब कॉपी, तो अपनी कॉपी खुद बना लेगा तो ये काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ में जो प्लांट है वो कैन प्रोड्यूस एनएफ mRNA, ठीक है, तो एक तरीके से जो ट्रेडिशनल सोर्ट होता है उसके कंपेयर में यहां से काफी कुछ आप लोग चीजें निकाल पाएंगे। और फाइनली राइट डोज डिटरमाइन किया जाएगा किस इंसान को कितना डोज देना है, तो ये पैटर्न यहां पर इनका देखने को मिलने वाला है। तो ये देखिए अगर इससे चीजें हो जाती है ना, तो आप लोग ये समझिए COVID-19 की दवाई के बारे में आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पुरानी जो भी और भी दवाइयां हैं अगर इस एरिया में जो नुकसान पहुंचाती थी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं फिलहाल अभी
आप लोग देखिए, जैसे कि आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कोई भी दवाई है, ठीक है, उसको नेगेटिव पर आप लोगों को रखना पड़ता है, नेगेटिव 20 पर रखना पड़ता है, जो कोरोना के भी ये दवाई है, ठीक है, तब जाकर नॉर्मली बोले तो इसको 2 से लेकर 8 तक भी डिग्री सेंटीग्रेड तक रख लेते हैं, पर इससे ऊपर जाएगा तो खराब हो जाएगी। पर लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अगर कोई लेकर जाता है दवाइयां बनाने, तो वहां पर ये चीजें सक्सेस ही नहीं हो पा रही है। पोलियो की वैक्सीन को भी -20 पे रखना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की, तो ये डब्बा लेकर घूमते हैं जिसमें बेसिकली ये ठंडी रहती है दवाइयां, समझ रहे ना आप लोग यहाँ पर, तो ये चीजें रहती हैं, तो ये सारे झंझट ही खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आराम से मोटरसाइकिल पे रखे और पीछे होने का बोरा डाला उसमें सब्जियां भरी मतलब सब्जियों के तरीके से नहीं जाएगी, पर हाँ ये है कि फिर ये फ्रीजर वाला काम और ये सारी चीजें जो है एनर्जी वेस्ट होनी बंद हो जाएगी, लोगों के पास आसानी से इसको पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो यह पुड़िया बना के भी लोग को दे दी, ले भैया खा लेना, तो ये नहीं है कि टेम्परेचर का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, अगर ढंग से सक्सेसफुल आगे हो पाता है तो। ओके, तो कैसी लगी ये न्यूज, आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहां पर निकल कर आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस के बारे में बात की जा रही है। डिफेंस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहां पर अभी एक 15 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई गई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये बेसिकली यहां पर जो कमेटी बनाई गई, इससे पहले यहां पर आप लोगों के लिए एक कमेटी का नाम और बताता हूं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तभी आप लोग इसको अच्छे से और समझिएगा। कमेटी का नाम है यहाँ पर सेखतकर कमेटी। सेखतकर कमेटी हमारी कंट्री ने बेसिकली बनाई गई थी 2016 में, इसके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई, तो याद रखिएगा। ये जनरल थे, बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल थे रिटायर्ड डॉक्टर सेखतकर, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई, डॉक्टर नहीं बेसिकली बीडी सेखतकर, ठीक है। तो यहाँ पर BDS नाम याद रख लेगा, इनके द्वारा ये बोला गया कि कैसे हम लोग को अपनी कॉम्पैक्ट जो इनके लड़ाई वाली कैपेसिटी इन्हेंस करनी है, और कैसे हम लोग बैलेंस बना सकते हैं, कैसे एक्सपेंडिचर और बढ़ा सकते हैं अपनी कंट्री में, जाके डिफेंस हमारा और ज्यादा दुरुस्त हो सके। तो उसके चलते इनके द्वारा फ्यू रिकमेंडेशन दी गई। पहला तो बोला गया मिलिट्री फार्म जो है और आर्मी पोस्टल जो है उसको बंद कर दो, अब इनका कोई मतलब रह नहीं गया। पहले टाइम पर था उनको पॉलिटिकल काम करते थे, आज के टाइम में दुनिया भर की और भी सर्विस है यहाँ पर, उसको आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिलिट्री वालों को आराम अपनी खुद की गाय रखनी जरूरी है, खुद की भैंस रखनी जरूरी है दूध के लिए, अब आराम से कहीं से भी आप लोग ये चीजें मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होगी, पोस्टल सर्विस की कोई जरूरत ही नहीं है अगर ढंग से देखा जाए तो। आज के में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं, तो आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट जो बोला गया स्टैंडर्ड करना है अगर यहाँ पर, तो क्लेरिकल जो स्टाफ है और जो ड्राइवर वाला स्टाफ है तो उसका रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, वहां पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बोलेगी कि इंप्रूव करना पड़ेगा इफिशियंसी जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, जिसको NCC बोलते हैं। तो ये वाला जो मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये NCC के बारे में ही है, ठीक है। तो NCC के ऊपर भी यहां पर इनके द्वारा बोला गया कमेटी बनानी चाहिए, तो सेखतकर कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई, यहां से अभी नई कमेटी बनी है जिसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसी के साथ में इनके द्वारा बोला गया रोल ऑन जो डिफेंस बजट है उसके बारे में बात की गई। रोल ऑन मतलब बढ़ता रहना चाहिए आगे भी डिफेंस बजट, घटना नहीं चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से यानी कि फिक्स कर दिया, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ध्यान रखते हैं। ये सारी बातें मैंने नहीं बोली, ये सारी बातें बोली है सेखतकर कमेटी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन बन जाए आगे तो कंफ्यूज मत होना, मैच करने के लिए 2-3 कमेटी के नाम दे दे तो ये मत बोलना सर क्वेश्चन बन गया था, बताया नहीं आपने, बताया था आपने, रिवाइज नहीं किया, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये है यहाँ पर श्री बैजयंत जो पांडा है, इनका नाम याद रखिएगा। इनकी 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई, और इसमें यही नहीं है, इसमें MS धोनी, महेंद्र ग्रुप के जो चेयरमैन है यहाँ पर आनंद महेंद्रा, तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि NCC जो है हमारी कंट्री में नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है, तो उसके ऊपर काम किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन इनके द्वारा बोला गया कि इंपावर करना है एनसीसी कैडेट को, ताकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है मोर इफिशियंटली यहां पर एक तरीके से नेशनल बिल्डिंग में हो सके, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा बोला गया कि एक तरीके से यहां पर गेनफुल एंगेजमेंट की बात की जा रही है, एनसीसी एलुमिनी जो है जो भी यहां से निकल कर जा चुके हैं, मान लीजिए आप लोगों के पास में एनसीसी का सीट सर्टिफिकेट है, ठीक है। अच्छा बताइए किसके पास में एनसीसी का A, B या फिर सी सर्टिफिकेट है, बताइए जरा, देखता हूँ किसके पास में। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये, A इसमें सबसे नीचे होता है, B उससे अच्छा होता है, C उससे अच्छा होता है, यानी कि यहाँ पे उल्टा चलेगा, ठीक है। जिसके पास में एनसीसी है वो जानता होगा, और काफी फायदा है अगर डिफेंस में आप लोग जाते हैं तो आप लोग कुछ छूट भी यहाँ पर मिलती है, ओके। और कई जगह तो डायरेक्ट SSB में आप लोग जाते हैं ना, जिसे तो SSB के लिए आप लोग की डायरेक्ट एंट्री आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी NCC के सर्टिफिकेट से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा, तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन ये भी गई कि सिमिलर इंटरनेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भी इंक्लूड करके चलेंगे, ताकि इंटरनेशनल के एक्सपीरियंस से भी हम लोग सीख सके, यानी कि देखिए अपने पास में नॉलेज है हाँ जितनी है, अब मान लीजिए अपने पास में नॉलेज है तो दूसरे के साथ में डिस्कस करेंगे उसकी नॉलेज का पता चलेगा तो नॉलेज इनहेंस होगी, पर लेकिन इंसान डिस्कशन करने वाला प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी कि पता चला वो आप लोगों की नॉलेज खराब करे और आप लोगों को ऊपर से वो डिप्रेशन में डाल दे। तो इस तरीके से अपने लेवल के इंसान के साथ में आप लोग डिस्कशन कीजिए टॉपिक का, और उससे ये पूछ लीजिए सिलेबस पता है क्या जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, पता चला उससे पूछ रहे हो कि आप ना आप खुद बताना तुमको पता है क्या और फिर बेइज्जती हो रही है, ठीक है। तो पहले अपना सिलेबस खुद से आप लोग काउंट कर लीजिए जो भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और फिर सामने वाले को देखो उसका सिलेबस पता है क्या, अगर पता है तो सीरियस बंदा है, सिलेबस आसान नहीं है याद करना, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ता हूं।
ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये टॉपिक देख लेते हैं, यहां पर बात की जा रही है नीति आयोग के बारे में, और नीति आयोग तो इतना फेवरेट हो रखा है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके द्वारा किसको रिप्लेस किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में, समझ रहे हो आप लोग, प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, गरीबी हटाओ, हमारे देश में इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक प्लान चलाया, एक बेसिकली 5 ईयर प्लान था, उस 5 ईयर प्लान में यहां पर इनके द्वारा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, उस 5 ईयर प्लान का नाम आप लोगों को बताना है, वो कौन से नंबर का 5 ईयर प्लान था, इंपॉर्टेंट है, इसका इसके बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कौन सी कंट्री से लिया था, याद है, रशिया से लिया था 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने। ठीक है, तो रशिया से इसके अलावा और क्या लिया था, याद है आप लोगों को, इसके अलावा क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज, उस टाइम पर उसको यूएसएसआर बोला करते थे, तो बोरोड जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें उठा ली है, तो ये फायदा है। ठीक है, अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, नाम है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो अगर पूछ ले कोई रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसके द्वारा अर्बन यानी कि शहरों में क्या क्या चीजें उसके बारे में बातें बताई गई है, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, हमारी कंट्री में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो बेसिकली म्यूनसिपैलिटी वगैरह बनाई गई थी, तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये म्यूनसिपैलिटी के ही अंडर में चीजें आती हैं। ठीक है, तो 1992 में यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उसने पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया था। तो ये तो बेसिक फंडा हो गया, अब समझ लेते हैं। देखिए, इसीलिए बोलता हूं पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन करते रहा करो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पीपीटी देखकर नहीं पढ़ाता हूं, ओनली आप लोगों को जो एक्स्ट्रा चीजें बताता रहता हूं, तो इससे आप लोग क्या रहेगा, अगर आप लोग ओनली पीपीटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, पर लेकिन अगर खुद से चीजों को एक बार को लिखने की आदत डाल लेंगे तो फिर सही रहेगा। पीपीटी आप रेफरेंस के लिए यहां पर जाकर डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन खुद से भी चीजें नोट डाउन करते रहा कीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरीके से, उससे क्या रहेगा, आप लोग चीजों को एक बार लिख लेंगे ना, इसलिए बोलता हूं कमेंट बॉक्स में आकर आंसर पोस्ट कर दिया करो, उससे क्या रहता है, आप लोग एक बार लिखोगे ना बैठ के, तो आप लोगों को उससे बेसिकली चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, उन्हें कहते हैं सेंसेस ज्यादा यूज हो जाते हैं, तो अपने लिए थोड़ा कर सकते हो, इतने तो मेहनत आपकी ही बेसिकली आपको ही काम आने वाली है। ठीक है, आगे बात करें, एवरी जो सिटी है उसके अंदर बोला गया एक एक तरीके से एस्पायर करना है बिकम द हेल्दी सिटी फॉर ऑल 2030 तक का, 2030 तक के ये टारगेट क्यों रखे जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी टारगेट 2030 तक का ही है, कि 2030 तक का ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंप्लीट करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये खुद बोलते हैं कि हम लोग सस्टेनेबल करेंगे इस दुनिया को, यानी कि गरीबी मिटाएंगे, भुखमरी मिटाएंगे, अच्छा हेल्थ देंगे लोगों को, अच्छी एजुकेशन देंगे, जेंडर इक्वलिटी यहां पर लेकर आएंगे, हेल्थ सैनिटेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो उसी के पैटर्न में यहां पर ये ये चल रही है बेसिकली, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि हेल्दी सिटी बनाने की बात की जा रही है 2030 तक का, इंपॉर्टेंट क्या है अगर आप लोग समझे इसके बारे में, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहां पर, जिसके द्वारा बोला गया कि 500 के करीब हेल्दी सिटी प्रोग्राम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे पीरियड ऑफ 5 ईयर के अंदर में। ठीक है, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन की जाएगी कमिटी जो कि सारे इनके धंधे देखिए क्या क्या काम कर रहे हैं, और रेगुलरली रिव्यू भी करेंगे, जैसे आपने अपना एग्जाम देते रहते हैं रिव्यू करते रहते हैं। इसी के साथ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन जो बेसिकली रीजनल डेवलपमेंट एक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है, सिटीजन आउटरीच के बारे में बात की जा रही है, कंपेन चलाए जाएंगे लोगों को और अवेयर कराने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशन है वो साथ में आएंगे और चीजों को इंक्रीज करने के लिए, और एक तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी यानी कि एमटेक प्लानिंग भी यहां पर एक तरीके से उस लेवल पर भी काम किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कई सारे एरिया में काम करने वाले कंट्री के फेज मैनर में ठीक करने के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर बात की जाए नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाउन यानी कि टाउन के लिए, और इसी के साथ में कंट्री प्लानर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि नेशनल अर्बन इनोवेशन जो स्टेक है, जो अर्बन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ये आप लोग इनेबल कर सकते हैं इसको बेसिकली, ताकि चीजें और अच्छे से इंप्लीमेंट की जा सके, और जो इंप्लॉय है और जो प्लानर है वो मिलकर काम करेंगे ताकि जो भी दिक्कत है उसको सोल्यूशन निकाला जा सके। तो बेसिक कहने का मतलब ये कि देखिए एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, तो मिलकर सब करेंगे, प्लान बनाने वाले प्लान बनाएंगे, वो काम करने वाले अपना काम करेंगे सारे। ठीक है, ऐसे जैसे कोई इंस्टीट्यूशन चलाना हो, ठीक है, टीचर अपना पढ़ाने का काम करेंगे, जिसको बेसिकली बुक्स वगैरह प्रोवाइड करानी है बुक्स कराएगा, किसी को फीस कलेक्ट करनी है फीस कलेक्ट करेगा, ड्रेस किसी को देनी है वो ड्रेस देगा, ठीक है, शूज किसी को देने वो शूज देगा, गाड़ी वाला अपना काम करेगा, सफाई वाला अपना काम करेगा, तो इस तरीके से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरे सिस्टम के थ्रू चलती है, सबकी प्रॉपर सैलरी जाती है, तो तब यहां पर काम चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है उससे। तो देखिए अगर किसी सिस्टम में आप लोग घुस रहे हैं ना, तो सिस्टम सबको फायदा पहुंचाता है, तो इस तरीके से इंप्रूव करना चाहिए, एक सही लेवल पर ये बातें बोली गई हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, इसके द्वारा इशू किया गया यहां पर यूरो ग्रीन बॉन्ड। देखिए एक तरीके से बॉन्ड एक तरीके से जो है यहां पर ये क्या फायदा पहुंचाएंगे, इन्वायरमेंट को सही करने का काम करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट आप लोग इसको बोल सकते हो एक तरीके से।
तो जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है यहां पर ही हमारी कंट्री में, ये पावर सेक्टर में सक्सेसफुली इशू किया गया, इसको 3 मिलियन 7 साल के लिए बेसिकली इशू किया गया यहां पर ये। तो आने वाले टाइम में जो स्टार्ट होंगे यहां पर, ये बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं तो 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2028 तक यहां पर चलने वाले हैं। और प्राइसिंग जो है यहां पर 1.841%, ये बेसिकली लोवेस्ट यील्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे अब तक यहां पर जो लॉक किया गया। तो इंडियन यूजर क्या कर रहे हैं, यूरो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट एवर यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो ये पहली बार है हमारे देश के अंदर, तो इसलिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसी के साथ में फर्स्ट एवर इशूड किया गया यहां पर इंडियन जो नेशनल बैंकिंग जो फाइनेंस जो कंपनी है उसके द्वारा, और फर्स्ट एवर यूरो बॉन्ड जो इंश्योरेंस के द्वारा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 2017 में आए थे जब ये उस टाइम पर न्यूज में भी थे। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने का ये एक तरीके से यहां पर एक तरीका यहां पर ढूंढा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर यह है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और यूरो कंपनी किसकी कंपनी बोल रहा हूं, यूरो यहां पर करेंसी किसकी है, तो यूरोपियन यूनियन की, याद रखना इसके बारे में। टोटल मिला कितने मेंबर है क्या हुआ अगर पूछा जाए तो टोटल मिला कितने मेंबर है, तो टोटल मिलाकर 27 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक मेंबर यूके था वो बाहर निकल गया, पहले 28 हुआ करते थे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में होगी। अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रिवर के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं कि ये रिवर कहां पर लोकेटेड है, तो उसके मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर स्क्रैप कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया प्राइवेट कंपनी जो पावर डेवलपर थी, जिसको यहां पर बेसिकली उमनगोट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वो उमनगोट रिवर पर देखने को मिलता था। तो इससे लगा कि यहां पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो वो प्रोजेक्ट ही हटा दिया। रीजन क्या है, ये काफी प्योर रिवर है, एशिया में सबसे प्योर रिवर की कैटेगरी में आती है। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को दिखाओ देगा जब आप लोग नीचे जाकर देखोगे। तो पॉपुलरली इसको यहां पर द्वाकी रिवर या फिर यहां पर उमनगोट रिवर के नाम से जानते हैं। मेघालय में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग मैप में भी एक बार देखना चाहते हैं मेघालय कहां पर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने होगी, ठीक है। ये मेघालय यहां पर ओनली आसाम को टच करता है और किसी राज्य को टच नहीं करता है, बाकी बांग्लादेश को टच करता है। तो ऐसे और भी कोई राज्य है क्या हमारे देश में जो कि एक अकेला एक ही राज्य को टच करता है, ऐसा कोई राज्य और देखने को मिलेगा आप लोगों? चलिए बताइए, देखता हूं कौन से आंसर देता है ये मैप है, अपने कंट्री के मैप के साथ भी खेलना सीख गए ना, मजा आएगा। मैं ना जैसे स्टार्टिंग में, अब तो मुझे पता चल गई है मैक्सिमम चीजें। एक बार ऐसा हुआ करता था मैं ना, जैसे अपनी जैसे कि अपनी चारपाई पे लेटा हूं, ठीक है, तो मैं ना मैप याद करते रहता था, रिकॉल करते रहता था। मैंने कहा ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी दो बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा देखता हूं, तो केरला याद आ गया जैसे, ठीक है। मैंने कहा अच्छा केरला, गोवा भी तो है यार, ओके आगे चलते हैं। मैंने कहा और अच्छा अरुणाचल प्रदेश भी तो है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रिकॉल करता रहता बहुत सारी चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जब मैप के साथ में टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना आप लोग, तो आप लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे। अपनी कंट्री के मैप को जानो तो सही, कितना मजा आता है जानकर। हम लोग उसको जानते ही नहीं है, हम लोग बेसिकली चीजों को उस तरीके से लेकर ही नहीं चलते हैं। हम लोग बस पढ़ाई के लिए पढ़ लेते हैं, हाँ यार एग्जाम में आएगा तो रट लेते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है यार, मजा लो अपनी कंट्री के मैप के साथ में, जानो उसको, समझो, प्यार करो अपनी कंट्री के मैप से। यार देखो तो सही कितना प्यारा मैप है अपनी कंट्री का, ठीक है। तो समझो उसको, उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करो, उसके अंदर जानो चीजों को, फिर देखो कितना मजा आता है आप लोगों को चीजें। आप लोगों को सोचो किसी इंसान से आप लोग प्यार करते हैं, ठीक है, आप लोगों को उसकी चीजें याद रखने की जरूरत है क्या? आप लोगों को रटना पड़ता है कि नहीं यार उसने ये बातें बोली, मैं रट लेते हैं ये बात और ये बातें, फिर बताएंगे हमने रट रखी है ये बातें। अरे वो नेचुरली याद रह जाती है यार। आप लोग ये मम्मी पापा को याद करनी पड़ती है आप लोगों से रिलेटेड चीजें, उनको पता होता है बचपन में ऐसी ऐसी बदतमीजी किया करता था ये बच्चा, ठीक है। वो आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं जब आप लोग बड़े हो जाते हो कि ऐसी ऐसी हरकतें किए करते थे तुम उस टाइम पर, तो रटनी थोड़ी ना होती है। तो जब प्यार करोगे किसी चीज से तो आप लोगों को चीजें याद रहने लगेगी, रटनी नहीं पड़ेगी फिर। तो मैप को प्यार करना सीखो और फिर देखो मैप कितने अच्छे से आप लोग इंजॉय कर पाते हो, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हो गई एक्स्ट्रा बातें, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक एक न्यूज देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके अंदर में कई सारी और भी न्यूज आप लोग कवर करूंगा, तो डिटेल में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात की जा रही है बेसिकली इसके बारे में, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। आसियान के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसको यहां पर आप लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो टोटल मिलाकर 10 कंट्री है, ठीक है, जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया और फिलीपीन हो गया। तो टोटल मिलाकर 10 कंट्री है, इनको आसियान कंट्री के नाम से जानते हैं। तो G20 के बारे में आप लोगों से पूछ लिया ना, तो आसियान के बारे में पूछते हुए शर्माएगा नहीं एग्जामिनर, ठीक है। तो इसलिए आसियान के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो आसियान जो है साउथ ईस्ट एशियन जो है उनके साथ में यहां पर मिलकर बेसिकली काम करने की कोशिश की जाती है इंडिया के द्वारा हमेशा, और इसी को आप लोग लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते थे पहले, फिर इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम हम लोगों ने दे दिया। तो वो इसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोग मेनली बात करते हैं। इंडिया करेंटली वर्क कर रहा है आसियान के साथ में उन मल्टीपल एरिया में, जैसे कि
कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट हो गए लैंड एयर वाटर के बारे में, और यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया, अभी रिसेंटली आप लोगों से बात करूंगा। इसी के साथ में यहां पर आसियान इंडिया रिलेशनशिप जो है वो यहां पर ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं, ज्योग्राफिकल लैंडस्केप को अगर ध्यान में रखे चला जाए। देखिए चाइना ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, चाइना का जो दबदबा रहता है, अगर वियतनाम के साथ में बात करें चाइना की अच्छी बनती नहीं है, फिलिपीन के साथ में बात करें चाइना की अच्छी बनती नहीं है, इसलिए कोशिश करते हैं कंट्री इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन रखे ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। तो ये दिक्कत है आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर चाइना की गंदी हरकतों की वजह से इन एरिया में बेचैनी रहती है, तो इनको बेचारों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है जब चाइना यहां पर कुत्तागिरी करने के लिए आता है, बार बार किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, वहां पर आकर अपना सबमरीन लेकर घुमा दिया, वहां पर आकर अपना जहाज घुमा दिया, उनके एरिया में जाकर घुस गया, बोला मेरा एरिया है, तो दादागिरी हो गई ना तो एक तरीके से। तो इसलिए सारी कंट्री जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर बड़ी सतर्क रहती है जब जब ये हरकतें देखने को मिलती हैं। आगे अगर इंपॉर्टेंट बातें बात करें यहां पर, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देखना चाहते हैं और अच्छे से, तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, जिसको BCIM बोलते हैं, ये कॉरिडोर के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर देखने को मिलेगा कनेक्टिविटी के लिए कई सारे और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हो गया, कालादान प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था ना अभी, कालादान मल्टीपर्पज वो मल्टी जो मॉडल ट्रांजिट ये ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप लोगों को पहले बताया था, फिर से देख लेंगे। और मेकोंग गंगा के बारे में बात करें तो इनको देख लीजिए पहले एक बार। सबसे पहले बात की जा रही है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में, तो इंडिया से चल के म्यांमार से चलते आप लोग थाईलैंड में पहुंच जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है तीन कंट्री के द्वारा, याद रखेगा ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है यहां पर लैंड कनेक्टिविटी का बिटवीन आसियान कंट्री और इंडिया, ठीक है। तो इससे काफी अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था काफी पहले, फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था म्यांमार के द्वारा, ताकि यहां पर और अच्छे से कनेक्टिविटी बनाई जा सके। इंडिया भी पार्ट बन गया, तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी आया, जिसको IMT और मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के नाम से बोला गया, तो ये फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। तो इसके चलते काफी अच्छी कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो यहां पर आज के डेट में थाईलैंड अगर जाना है, म्यांमार अगर जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर बेसिकली पानी के थ्रू ही जाओगे, आप लोग लैंड के थ्रू भी यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट हो गया, याद रखिएगा IMT के बारे में अगर पूछ ले तो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, यह कालादान के बारे में। कालादान तो आप लोगों से पूछ भी लिया गया अभी रिसेंटली एग्जाम के अंदर में, तो याद रखना इंडिया से साथ में यहां पर जो कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है वहां तक आप लोगों को यहां पर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से कनेक्टिविटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है आसियान कंट्री के साथ में इंडिया का, और ये इनिशिएट किया गया था यहां पर 2008 में, तो एंटायरली फंडेड है इंडिया के द्वारा। इंडिया अपनी कनेक्टिविटी चाहता है ताकि नॉर्थ ईस्ट के साथ में भी हमारी कनेक्टिविटी बन सके, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया बेसिकली आसियान के साथ में, तो फिर नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव रूट यहां पर खोजा जा रहा है हमारी कंट्री के द्वारा, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग चिकन नेक के थ्रू हम लोग जाते रहेंगे, जहां पर चाइना अपना दबदबा दबाकर बैठ रहा है, ठीक है, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ऑल्टरनेटिव रूट होना चाहिए। अब समझिएगा थोड़ा सा, मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूं, मैप पर लेकर चलता हूं, समझ पाएंगे आप लोग। आज की डेट में अगर आप लोग इस मैप को देखें यहां पर, तो इंडिया बेसिकली अगर यहां से होकर नॉर्थ ईस्ट में जाता है, तो कल को चाइना यहां पर बैठा हुआ है। अभी आप लोगों को पता है यहां पर डोकलाम वाले एरिया में डेडलॉक देखने को मिला था इंडिया और चाइना के बीच में, तो कल को चाइना ने आकर यहां पर अटैक कर दिया, तो यहां पर ये पूरा पोर्शन कट हो जाएगा जरा सी देर में। लेकिन हम लोग कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहां से, तो वहां पर अगर दिक्कत होगी तो यहां से हम लोग एंट्री कर पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे चाइना मैक्सिमम डिपेंडेंट रहता था यहां पर पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। अब यहां से ये एरिया जो है इसको छोड़कर ये क्या कर रहे हैं, अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, वहां से कोई अल्टरनेटिव रूट ढूंढेगा, तो अलग अलग तरीके से यहां पर वो रूट ढूंढ रहा है एंट्री करने के लिए इंडियन ओशन के अंदर में। तो इसके चलते उसके अल्टरनेटिव निकल रहे हैं, तो इसी तरीके से इंडिया भी अपने अल्टरनेटिव खोज रहा है कि कल को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए यार, कम से कम अपने कनेक्टिविटी तो बने रहे अपने अपने एरिया के साथ में, अगर कोई ऐसी हरकतें होती हैं तो, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा बेसिकली सितवे पोर्ट जो है म्यांमार इन ऑर्डर टू इनेबल एक तरीके से रूट थ्रू बांग्लादेश भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर यहां से जाए और यहां से जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस भी आ जाता है रास्ते में। मेकोंग गंगा, इसके बारे में याद रखिएगा, मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। मेकोंग गंगा का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है फोर मेकोंग कंट्री, इसमें वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया, ये मिलकर काम करती है। इंडिया कनेक्ट करती है यहां पर हो ची मिन के साथ में, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे। यहां पर अगर आप लोग आएंगे तो सारे एरिया में कनेक्ट होती यहां पर नजर आती है, ठीक है। तो इसके चलते ये भी एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है आसियान कंट्री के साथ में कनेक्ट करने के लिए। तो इंडिया और आसियान के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो आप लोग यहां पर इन प्रोजेक्ट के बारे में अगर मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के ने मेहनत कर रखी है, ठीक है। ये लड़की ने भी कर रखी है, कभी ये बोलो कि सर लड़कों के नाम लेते रहते हो, मतलब जरा सा कुछ बोलता नहीं हो तुरंत मेल आने स्टार्ट हो जाते हैं, सर आपने ये बोल दिया। एक बच्चा बोल रहा है, मैंने बोला और कैसे हो भाई और बहनों, एक बच्चा मेल लिख रहा है सर भाई और बहनों और दोस्त भी बोल दिया करो। मैंने कहा ठीक है भाई और बहनों दोस्तों कैसे हो यार। तो कई सारी ऐसे ऐसे बातें आती है, मतलब पढ़ के भी कई बार ना उन्हें चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैंने कहा ये देखो अलग ही दुनिया चल रही है, इंजॉय करो यार, पढ़ाई पे फोकस कर लो, सिलेक्शन लेकर आओ तो मजा भी आए सुनने में कि आप लोगों की कहानियां, वरना तो फिर वो नहीं कहते कि अनसुनी कहानी दब जाएगी, बिना सुने ही आप लोगों की जुबानी कोई नहीं सुन पाएगा,
जब तक आप लोग कुछ करने पाओगे। अपनी स्टोरी सुनाने के लिए अपने आपको प्रूव करना पड़ता है, तभी लोग आप लोग की स्टोरी सुनेंगे, वरना ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो दफन होकर रही, किसी ने कभी सुनी नहीं। तो आप लोग भी किस तरीके की कहानी गढ़ना चाहते हैं वो आप लोग डिसाइड कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है स्टेट के बारे में, और बेसिकली बात करेंगे काफी खतरनाक चीज के बारे में। याद रखिएगा, आज के डेट में हम लोग इतना पोल्यूट चीजों को कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये हम ही को नुकसान पहुंचाने वाली है। और बात करता हूं बिहार के बारे में। बिहार के अंदर अभी यहां पर आर्सेनिक कॉन्टेमिनेटेड पानी तो पाया गया, इसी के साथ में फूड चैन में भी यहां पर ये एंट्री कर रहा है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है काफी खतरनाक ये कंपाउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीला आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर एक तरीके से कई सारे जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, कई सारी चीजें देखने को मिलती है, उसके चलते यहां पर ये दिक्कतें निकल कर आती है, खुदाई वगैरह की जाती है। ठीक है, तो आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर है वो 33 है, ये याद रखिएगा, और एटॉमिक वेट जो है वो 74 है। ठीक है, तो ए जो ए एस है यहां पर आप लोग इसकी बेसिकली इसका ये सिंबल हो गया। अब बात करते हैं यहां पर, तो रिसर्च जो स्टडी की गई यहां पर वो प्रोजेक्ट है नेचर एंड नेचर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेचर एंड नेचर इन आर्सेनिक, ये बेसिकली इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी ऑफ बिहार। तो ये प्रोजेक्ट फंडेड किया गया बिहार काउंसिल इन यूनाइटेड किंगडम, और इसी के साथ ब्रिटिश काउंसिल इन यूनाइटेड किंगडम एंड डिपार्टमेंट। देखिए माइंड में तो चीजें रहती हैं, पर लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, मैंने कई बार ये पता नहीं हरकतें कई बार होती है, माइंड में चीजें ऐसा लगता है मैं सही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फिर लगता है कि मतलब पढ़ के चला गया, मैंने कोलकाता से ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल दिल्ली, जबकि दिल्ली से कोलकाता करनी थी। तो माइंड में चल रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ, पर लेकिन ऐसी चीजें होती है, पता है कब होता है, तब होता है जब ज्यादा चीजें कवर करने के मूड में रहता हूँ, और नहीं तो थोड़ा सा मैंने कहा लिमिटेड टाइम है, क्योंकि जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे चिल्लाने स्टार्ट हो जाती है बच्चों की चुप हो जाए कि सर इतना टाइम कर दिया ये कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि लिमिटेड टाइम में ज्यादा कंटेंट आप लोगों को मिल जाए। बाकी आप लोगों को लगता है ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो यूट्यूब में ऑप्शन है, आप लोग उसको सस्ता कर सकते हैं, मंदा कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी लगता है बहुत सस्ता मंदा बोल रहा हूँ तो आप लोग उसको तेज भी कर सकते हैं। तो भाई साहब आप लोग के हाथ में रिमोट है मेरा, जिधर चलाना है चला लो, जहां मन करना है रोक लो, जहां मन करना है भगा लो, जितनी बार सुनना है सुन लो, कोई नहीं रोकने टोकने वाला है। ठीक है, तो टीचर को खिलौना बना दिया यूट्यूब ने आप लोगों के हाथ में, वरना टीचर से कोई दो बार बात ही पूछ लेना, मुझे याद है हमारे एक टीचर हुआ करते थे उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा करता था तो मान लीजिए उनको आंसर नहीं देना है तो कहेगा हेलो दिस इज नॉट रिलेटेड टू माई सब्जेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर। मैंने कहा बताना नहीं था, इतने बातें बोलने क्या जरूरत है, बोल देते कि नहीं बताना है तो पूरा एक स्पीच सुनाते थे बकायदा खड़े होके। तो वही बातें हैं, लेकिन यहाँ पे देखो YouTube ने कितनी लिबर्टी दे दी है स्टूडेंट को, तो एंजॉय करो इन चीज़ों को, अगर चीज़ें मिल रही है तो उनको अप्रिशिएट किया करो, ठीक है, अच्छे से एंजॉय किया करो, फीडबैक जरूर दिया करो, इसलिए बोलता हूँ कि फीडबैक दिया करो अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो मुझ तक पहुंच पाती है आप लोगों के थ्रू। ओके, आगे बात करते हैं फूड चेन में कैसे घुस चुके हैं, मानिए पानी में आ गई कोई चीज़, अब उसी पानी को आप लोग सब्जी उगाने के लिए यूज़ करोगे, उसी पानी को दूध में डालोगे, उसी पानी को नॉर्मली आप लोग पी रहे हो, उसी पानी में चावल उगा रहे हो, उसी पानी में टमाटर, उसी पानी में आप लोग बेसिकली गेहूँ उगा रहे हो, ठीक है, सारी चीज़ें उसी में उगा रहे हो आप लोग, तो इस तरीके से वो कॉन्टेमिनेट करेगा ही करेगा। आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन अगर बात करें यहाँ पर ग्राउंड वाटर के बारे में तो काफ़ी कंसर्न है, हमारी ही कंट्री में नहीं और भी कई सारी कंट्री में आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी, यानी कि हम ही नहीं जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम के साथ में, और भी दिक्कतें हैं जनाब। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। आगे बात करें आर्सेनिक जो है प्रेजेंट है यहां पर ग्राउंड वाटर के अंदर में और लार्ज स्केल पर यहां पर ये फूड चेन के अंदर में ये अभी यहां पर फाइंड किया गया, तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और इवन यहां पर ये जो लेवल इसका हाई हो गया जितना WHO के द्वारा बोला गया था, ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें यहां पर द फूड चेन के अंदर अगर बात करें द मोर आर्सेनिक कंटेंट देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि खाने के अंदर ज्यादा घुस चुका है यहां पर एज कंपेयर टू अगर बात करें। WHO के द्वारा बोला गया है कि गाइडलाइन वैल्यू जो होनी चाहिए 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, तो यहां पर इतना बेसिकली, तो इससे भी ज्यादा लेवल नजर आएगा जो कि काफी कंसर्न का रीजन बन चुके हैं। और कुकिंग राइस कंपेयर टू रो राइस में आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन हायर देखने को मिलेगी, समझिए बोला गया कि कॉन्सेंट्रेशन वॉज हायर इन कुकड राइस एज कंपेयर टू रो राइस, यानी कि जो रो चावल आप लोग खा रहे हो कच्चे चावल आप लोगों के सामने है उसमें इतना नहीं है, पर लेकिन जब उनको पका दिया गया उसमें ज्यादा है, नहीं कि पानी के अंदर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, वहां से घुस गया जाके कुछ, ठीक है, तब सोच लो क्या करना है, कैसी चीजें चल रही हैं। आर्सेनिक जो होता है ओडरलेस, कोई सूंघ नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है, ये आप लोगों को टेस्टलेस देखने को मिलेगा, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि आप लोग इसको खा भी रहे हो क्या। अर्थ की जो क्रस्ट होती है मेंटल कोर मेंटल क्रस्ट, तो यहां पर सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है, उसमें काफी लार्ज स्केल पर और अलग अलग कंट्री में पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर यह आर्सेनिकोसिस। आर्सेनिकोसिस क्या होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जब आर्सेनिक का पॉइजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये काफी ज्यादा एक्युमुलेट होने लगता है इंसान की बॉडी के अंदर, तो काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, वो देखने को मिलेगा। इसके चलते कई सारे ऑर्गन फेलियर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बॉडी के, मल्टी ऑर्गन फेलियर आप लोगों को नजर आएगा। तो ये सारी चीजें अपने आसपास का जो पानी है, एक तो कोशिश करो
कि फिल्टर वगैरह लगाने स्टार्ट कर दो घरों में, जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन बिगड़ रही है कुछ तो फायदा होगा। आजकल में इतनी सारी चीजें मिली हुई आ रही है पानी के अंदर में, तो जहां पे गांव में भी आजकल में दिक्कतें देखने को मिलेगी आज को, वहां भी पानी का कलर काफी ज्यादा टेस्ट आप लोगों को चेंज नजर आएगा, क्योंकि आज के डेट में कॉन्टेमिनेटेड हर जगह चीजें हो चुकी हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा इस चीज को लेकर, वरना दिक्कतें तो बहुत ज्यादा बढ़ी रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और अपनी हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखोगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है इंटरनेशनल समाचार है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय समाचार के बारे में अगर बात करें तो बात की जा रही है AUKUS के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। तो इन तीनों के द्वारा मिलकर एक ग्रुप बनाया गया, ट्राइलेटरल, एक नया ग्रुप मार्केट में आया। ये जो नया ग्रुप मार्केट में आया, इसमें पनडुब्बी देने की बात की गई बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को। ये पनडुब्बी आज तक बेसिकली यूएसए ने ओनली यूके को दी थी, अब पहली बार कोई दूसरी कंट्री आने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये पनडुब्बी का जो प्रोजेक्ट यहां पर यूएसए के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है, तो इससे यूएसए को फायदा होगा, क्योंकि एक तरीके से यूएसए यहां पर पनडुब्बी प्रोवाइड कराएगा। तो इससे यहां पर क्या होगा, बेसिकली दिक्कत ये होगी कि पहले फ्रांस से खरीद रहे थे काफी कुछ, अब यहां पर फ्रांस से नहीं खरीद रहे हैं, तो फ्रांस गुस्से में आ गया। पर लेकिन साउथ चाइना सी में चाइना का दबदबा कम करने के लिए इनके द्वारा ये स्टेप उठाया जा रहा है। तीन कंट्री देखने को मिलेगी आप लोगों को, जो थ्री कंट्री हैं इनके साथ में कनाडा, और बेसिकली अगर बात करें न्यूजीलैंड जो है वो मिल जाए तो यहां पर ये 5I बन जाती है। तो याद रखना 5I के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ ले 5I के ऊपर क्वेश्चन पूछा चुका है, कौन कौन सी कंट्री आती है, तो यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तो आते ही आते हैं, अगर इसमें आप लोग न्यूजीलैंड और कनाडा जोड़ दो, यानी कि मैप में आप लोग समझिए, एक सेकंड, ये हो गया यूके, ये हो गया यूएसए और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये तो आते ही हैं 5I में अगर बात करें, बाकी इसके साथ में न्यूजीलैंड चिपका दो, ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक ही हो गया, और कनाडा के साथ में यूएसए को चिपका दो, एक ही हो गया। तो टोटल मिलाकर 5 कंट्री होती है 5I के अंदर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं क्योंकि यूपीएससी आजकल बड़े मजे ले रहा है बच्चों के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं है। तो टैकल करने की कोशिश यही की जा रही है आज के डेट में अगर बात करें तो 1958 में यहां पर ग्रेट ब्रिटेन को दिया गया था, अब पहली बार यहां पर दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया बनने जा रही है, जिसको न्यूक्लियर सबमरीन यूएसए के द्वारा दिया जा रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब नहीं कि बोम लगेंगे इसके ऊपर, न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब यह कि न्यूक्लियर पावर से यूज की जा सकेगी इसके अंदर, और उसके बेस पर काम चलेगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्वाड ग्रुप और ज्यादा ताकतवर होगा, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्वाड ग्रुप और ज्यादा ताकतवर होगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। और ऑस्ट्रेलिया जो यहां पर एक एलीट ग्रुप में आ गई है, जिसके पास में न्यूक्लियर सबमरीन है, इंडिया के पास में, यूएसए के पास में, यूके के पास में, फ्रांस के साथ में, रशिया के साथ में और चाइना के पास में, अब 6 कंट्री यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर ऐड हो गया है, तो यहां पर इन कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये अच्छी बात है यहां पर, तो आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, कई सारी और कैपेबिलिटी बेस चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आने वाले टाइम में कहा यह जा रहा है कि चाइना को टैकल करने के लिए और भी कई सारे स्टेप यहां पर यूएसए उठा सकता है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, बेसिकली क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोग चीजों को समझे होंगे। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहां पर ये बेसिकली कोटेशन देखी। ठीक है, और हाँ, आप लोगों को मैंने एक जो लेक्चर बोला था ना वो प्रोवाइड कराया था, EFCRA वाला, ये वाला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी न्यूज में आ गया सोनू सूद की वजह से। ठीक है, तो ये मैंने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया, तो इसको आप लोग देखिएगा तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन ही रहेगा और चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। ओके, तो इसके चलते आप लोग चीजों को मतलब भूलेंगे नहीं फिर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर चलते हैं तो फिर हम लोगों ने सारी चीजें देख लिया, क्या क्या देखा एक बार नजर डाल लेते हैं। हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली ऑल इंडिया डेट और इन्वेस्टमेंट सर्वे के बारे में, बेसिकली हम लोगों ने NSO और इन सब के बारे में जाना। एक और यहां पर दवाई को किस तरीके से आगे लेकर चलने की बात की जा रही है वो समझा, क्यों कौन कौन सी दवाई कैसे चलेगी आगे समझेंगे। इसी के साथ में डिफेंस के बारे में, एक्सपर्ट कमेटी के बारे में जाना, ये काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा बेसिकली अर्बन प्लानिंग के बारे में। और यहां पर एक और न्यूज छोटी सी, और यहां पर बात की जा रही है पर्टिकुलर रिवर के बारे में। तो काफी प्यारी न्यूज थी, एक एक करके हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज तो देखी देखी, इसके साथ में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझे। एक तो यहां पर समझा इंडियन, म्यांमार, जो थाईलैंड वाला, और यहां पर कालादान मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाला देखा, मल्टी मॉडल, ये मेकोंग गंगा वाला देखा। तो तीन और पॉइंट मैंने यहां पर कवर कर दिया। ठीक है, तो तीन न्यूज आप लोग अलग से और बोल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम लोगों ने आर्सेनिक के बारे में कुछ हरकतें समझी, आर्सेनिक की, और यहां पर हम लोगों ने ये देखा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा लगता है लेक्चर जरूर बताया, क्योंकि फीडबैक देकर, लाइक और डिसलाइक देकर कर सकते हो। 25-30 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं, पर लेकिन 5 हज़ार मुश्किल से लोग जो होते हैं वो फीडबैक देकर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हो यार, बता दो क्या होता है ऐसा, जो मुझे भी समझ में आया, जो मेरी समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए यहां पर किसके द्वारा यहां पर ऑल इंडिया डेप्ट इन्वेस्टमेंट सर्वे प्रस्तुत किया गया, NSO और CSO के द्वारा मिलकर क्या बनाया गया, किसके द्वारा mRNA वैक्सीन के लिए पैसा दिया गया, कौन है यहां पर कमेटी के हेड जिनके द्वारा डिफेंस में ये बेसिकली कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी किसके द्वारा लाया गया, PFC क्या है,
कौन सी राज्य की गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पर बेसिकली ये रिवर है जिसका नाम है यहाँ पर उमनगोट। इसी के साथ में कौन सी रिवर है जो कि यहाँ पर बात करती है जैंता और खासी हिल को डिवाइड करने में और बांग्लादेश में जाकर गिरती है। याद रखेगा यही वाली रिवर है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कंफ्यूजन ना हो जाए क्योंकि मैंने लेक्चर के अंदर भूल गया इसको बताना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था कि यहाँ पर अगर बात करें जैंता और खासी जो हिल है उसके बीच में आप लोगों को यही वाली रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड बैम्बू डे के बारे में बात की थी और इंटरनेशनल इक्वल पे डे के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो थीम आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। इसी के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज थी यहाँ पर, कौन कौन थे मालाबार की एक्सरसाइज में, ये आप लोगों को बताना था। YSF क्या था ये आप लोगों को बताना था। कौन सी इंस्टीट्यूट मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ में, ये आप लोगों को बताना था। यूनेस्को के साथ मिलकर किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था ITT बॉम्बे 1958 में, ये बताना था। ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ये बताना था। कौन सा आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देने के लिए, ये बताना था। तो आंसर देख लेते हैं, 142 आर्टिकल हो गया। वर्ल्ड बैंक है यहाँ पर जो कि यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सोवियत यूनियन और यूनेस्को के द्वारा मिलकर ITT बॉम्बे स्टेब्लिश किया गया। नीति आयोग मिलकर यहाँ पर काम कर रहा था। सोनिया प्रस्तुत किया गया जिसमें जीरो पोल्यूशन रहेगा अब डिलीवरी के लिए। यहाँ अगर ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट के बारे में बात की जा रही है फोरम, तो इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इसके बारे में। इंडिया, USA, जापान ये यहाँ पर मिलकर काम करें, ऑस्ट्रेलिया अभी ऐड हुआ है। इक्वल पे फॉर इक्वल वैल्यू ये बात की जा रही है बेसिकली, इसके बारे में याद रखिएगा। इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी कि जितना पैसा इंसान को मिलता है आदमी को उतना ही औरत को मिलना चाहिए। अच्छा, इक्वल पे के बारे में अगर बात करें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो कौन से ये बेसिकली DPSP में कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चलिए बताइए, देखता हूं कौन देता है आंसर। प्लांटेशन बैम्बू यहाँ पर बात की जाए, प्लांट बैम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बेसिक थीम, तो याद रखना। PDF आप लोगों को बताइए, यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारी PDF मिल जाती है। टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं बेसिकली। यहाँ पर अगर लगता है कोई प्राइवेट मैसेज सेंड करना है पब्लिकली नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग सेंड कीजिएगा। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि पुराने मैसेज अभी उनको बेसिकली बात की जा रही है, काफी पुराने पड़े हैं, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा था सर बुक्स के बारे में बात की थी, पुराने बहुत सारे पड़े हुए हैं यार, पहले थोड़ा सा जो मुझे ठीक लग रहे हैं कुछ उनको प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर आगे भी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, मेरे माइंड में है वो चीजें। बाकी अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।